ये विजुअल्स आप इंदिरा चौक के देख रहे हैं और लगातार आपने कैप्शन पढ़ा होगा, दूसरे दिन ट्रैफिक भाग एक्शन में नजर आ रहा है। इससे पहले कल आपने देखा किस तरीके से डीएसपी शिफाली जो हैं और उनके तमाम विभाग के लोग जो हैं, पुलिसकर्मी जो है ट्रैफिक पुलिसकर्मी, वो कल डोगरा चौक में एक्शन में नजर आए थे। कल जिन्होंने डबल हेलमेट नहीं पहनी थी उनके चलान भी किए जा रहे थे। आज की बात करें तो आज अभी इंदिरा चौक में आप देख सकते हैं, कल भी जब हमने लाइव सेगमेंट किया था काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए थे कि देखिए जो वॉलेशन करते हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि अभी कोरोना की मार है और कोरोना की मार के बाद इस तरीके से लगातार हाईवे फाइन चलान कट रहे हैं, लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। आखिरकार हम हमेशा कहते हैं कि आपके कमेंट जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखा कीजिए। इसी तरीके से शहर के विभिन्न जगहों पर ट्रैफिक विभाग पिछले कुछ दिनों से लगातार एक्शन में नज़र आ रहा है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से नरवाल की तस्वीरें बताई थी, उसके बाद देर शाम की अगर बात करें तो स्पीड रडार गन जिसका इस्तेमाल होता है उसके ज़रिए शाम को हमारे सहयोगी पत्रकार शुभम ने आपको विजुअल्स दिखाए थे कि ओवर स्पीडिंग से कोई गाड़ी आ रही है तो उसका चालान किया जाएगा। कल दोपहर की बात की तो कल दोपहर को भी हमने बताया डोगरा चौक पर किस तरीके से हैवी चालान काटे जा रहे हैं। कुछ लोग देखिए आप कैसे सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई। तो ये लगातार पिछले कुछ दिनों से है ट्रैफिक विभाग जो भी वॉलेशन कर रहा है उसके खिलाफ जो है मोर्चा खोले बैठा है और चलान जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट बॉक्स में इस तरह से भी लिख रहे हैं कि देखिए इस समय कोरोना के कारण सबकी कमर टूटी है और इस समय अगर इस तरह चलान देने पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन अगर आप वॉयलेशन करोगे तो चलान तो आपको भुगतना पड़ेगा। हम अक्सर कहते हैं कि आप हेलमेट पहन के रखिए, ट्रैफिक विभाग भी यही कहता है कि हेलमेट पहन के रखिए, अपनी सुरक्षा रखिए। और कल जिस तरीके से डबल चलान किए गए तो वहाँ पर भी हमने ऐसा देखा कि ट्रैफिक विभाग जो है वो एक्शन में नज़र आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, और इसी प्रकार जो है पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लोग वायलेशन कर रहे हैं और फाइन भरना पड़ रहा है। ये तस्वीरें इंदिरा चौक की हैं और ट्रैफिक विभाग हमेशा ये कहता है कि देखिए आप अपनी सुरक्षा रखिए, हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, सीट बेल्ट नहीं पहनी है। विजुअल्स आपके सामने हैं और तस्वीरें आप देख सकते हो कि देखिए सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है, और यही ट्रैफिक विभाग हमेशा कहता है कि आपकी जान की सुरक्षा, अपनों की जान की सुरक्षा आपके खुद के हाथों में है। हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, रूल्स को वायलेट नहीं कीजिए और ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलाइए। अगर आप ओवर स्पीडिंग गाड़ी चलाओगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। हमेशा गाड़ी चलाते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए, हम तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें। अगर आप डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं भी करते तो आपके पास एम परिवहन ऐप है, उस पर डिजिटली आप डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो, डिजी लॉकर ऐप है, आप डिजिटली जो है अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो। और सीट बेल्ट आपको पहनना कंपलसरी है। कल हमने देखा कि टू व्हीलर पर
आपने देखा डबल हेलमेट जिन्होंने नहीं पहनी थी उनका भी चालान काटा गया। कुछ लोगों को आपत्ति भी हुई, उन्होंने कहा देखिए अगर टू व्हीलर पर डबल का चालान काटा जा रहा है इस चीज़ की अवेयरनेस करनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए, इसके बारे में प्रचार करना चाहिए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने चाहिए, पैम्फलेट्स वोशर्स लगाने चाहिए। तो ये इंदर चौंक इस समय विजुअल्स देख रहे हैं और हम अपने चैनल के माध्यम से ही कहते हैं कि कॉपरेट कीजिए, सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहन के रखिए और सीट बेल्ट दोनों का पहनना अनिवार्य है, आगे जो ड्राइविंग सीट पर है उसके साथ जो बैठे हैं दोनों का पहनना अनिवार्य है। कुछ कमेंट हम ज़रूर पढ़ेंगे। अनिल जी कह रहे हैं कोई नहीं सुन रहा इनकी। विशाल जी कह रहे हैं पुलिस वालों पर भी एक्शन होना चाहिए, सब सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं पहनते हैं। पब्लिक को तंग कर रहा है डिपार्टमेंट, के पास पैसे नहीं है, रूल सब सबके लिए एक होने चाहिए, पुलिस ट्रैफिक वाले खुद नहीं डालते हैं। जी बिल्कुल, कानून हर एक के लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर कोई वॉयलेशन करता है, चाहे वो पुलिसकर्मी है, चाहे वो मीडियाकर्मी है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुकात रखता है, हर एक के लिए रूल्स एक जैसे हैं और जो भी वॉयलेशन करेगा उनको उनको जो है चालान भुगतना पड़ेगा। वॉयलेशन करोगे तो हैवी फाइन आपको देना पड़ेगा। तो आप ऐसे नहीं कीजिए, आप अगर सीट बेल्ट पहन के निकलते हैं, हेलमेट पहन के निकलते हैं, तो उसमें आपके खुद की सुरक्षा है, किसी और की नहीं। आपने भी सुरक्षा का ध्यान रखिए, अपनों की भी सुरक्षा का ध्यान रखिए और तमाम नॉर्म्स जो हैं उसका पालन कीजिए। ये इंदिरा चौक की तस्वीरें हैं और कल हमने आपको डोगरा चौक में बताया था इसी तरीके से ट्रैफिक विभाग जो है वो वॉयलेशन करने, जो भी वॉयलेशन कर रहा था उनके खिलाफ जो है चालान काटे जा रहे थे। और तीन चार दिन पहले की बात बताएं, हमने आपको नरवाल में भी विजुअल्स दिखाए थे और देर शाम को हमारे सहयोगी पत्रकार शुभम ने भी आपको बताया था किस तरीके से स्पीड गन के ज़रिए ये नज़र रखी जा रही है कि कौन सी गाड़ी हाईवे की जो लिमिटेड स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड में है। हम अपने चैनल के माध्यम से यही कहते हैं कि तमाम लोग जो हैं हेलमेट पहन के रखिए, सीट बेल्ट पहनिए और गाड़ी जो है वो धीरे चलाइए। रोहित बजाज जी कह रहे हैं रूल्स फिर सबके लिए रोहित बजाज जी कह रहे हैं पब्लिक को तंग कर रहा है डिपार्टमेंट। रोहित थोड़ी जी रूल्स फिर सबके लिए एक होने चाहिए, कुछ बिना मास्क के। जी बिल्कुल, रूल सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो भी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो पुलिस महकमे का हो, चाहे वो ट्रैफिक विभाग का हो, चाहे वो किसी भी विभाग से ताल्लुकात रखता हो। अगर सीट बेल्ट एक आम नागरिक ने नहीं पहनी उसका चालान हो सकता है, तो फिर चाहे कोई अधिकारी हो या ना हो उनका चालान क्यों नहीं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और क्या ये किसी के व्हीकल से निकल सकते हैं, इनको ये अधिकार किसने दिया? हाँ, और रोहित बजाज जी कह रहे हैं क्या ये किसी की व्हीकल से की निकाल सकते हैं, ये अधिकार किसने दिया? जी बिल्कुल नहीं, चलते व्हीकल के आगे रोककर की निकालने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं रूल्स खाली जम्मू के लिए हैं। विव शोकी ठाकुर जी कह रहे हैं राहुल भाई ये छोटी गाड़ियाँ क्यों पकड़ रहे हैं, बड़ी गाड़ियाँ क्यों नहीं? रोहित सोडी जी कह रहे हैं सर अभी पुलिस वाले गए हैं, एक कैप डालकर हेलमेट नहीं डाली थी। जी बिल्कुल, ये किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई है कि पुलिस विभाग का उसको छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। पुलिस के हों, ट्रैफिक विभाग के हों, मीडिया के हों, कोई भी हों, अगर वॉयलेशन करोगे तो चालान आपको देना ही पड़ेगा। अनुराग शर्मा राहुल जी कह रहे हैं जनाब डबल हेलमेट का रूल बड़ी जल्दी क्या है, पहले अवेयरनेस करना था और गवर्नमेंट की तरफ से हेलमेट
देनी चाहिए थी हर एक नाके पर, जिससे दुनिया को पता चलता डबल हेलमेट का। बट ट्रैफिक वाले पहले दिन ही फाइन करना स्टार्ट कर दिया, तो सीधा सीधा हरासमेंट करने वाली बात है जी। बिल्कुल, इस चीज़ को हम भी एग्री करते हैं कि अगर आप, हालांकि ये रूल डबल हेलमेट का बहुत पुराना है, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर होते हैं उनको मालूम है, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो कम से कम उसकी अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए। बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बोर्ड लगने चाहिए, पैम्फलेट्स वोशर्स जो हैं वो आम जनता तक पहुँचने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ की जो है बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस पब्लिक को होनी चाहिए, और जिनको नहीं मालूम उनको करवानी चाहिए। ये भी ट्रैफिक विभाग का काम है कि अवेयर करवाया जाए। हालांकि इस सिलसिले में कल हमने DSP मैडम से बात भी की थी, उन्होंने भी यही चीज़ कही थी कि आखिरकार हम कोशिश करेंगे कि अवेयरनेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसके बाद चलान काटे जाएँ। हालांकि कल भी हमने देखा था डोगरा चौक में, वहाँ पर भी ऐसा देखने को मिला, डोगरा चौक में भी ऐसा देखने को मिला कि एक व्यक्ति जो है वो ये कह रहे थे, चलान उन्होंने भरा, बिल्कुल चलान भरा, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि चलान तो आपने ले लिया लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस करवाई जाए। जी हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस कराना बहुत ज़रूरी है। तभी हम कहते हैं कि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए अनिवार्य है। आप कमेंट कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए कि जो वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर जिस तरीके से कुछ लोगों के ये भी कमेंट आए कि देखिए कोरोना की मार है, COVID-19 का सिनेरियो है, हर एक की इस समय कमर टूटी पड़ी है, तो इस समय में हैवी चलान भरना ये कहाँ तक सही है। तो अगर वायलेशंस होंगी तो चलान काटे जाएंगे, लेकिन हाँ, चाहे कोई संतरी हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, कोई भी हो, अगर कोई भी वायलेशन करता है तो चलान हर एक को भरना पड़ेगा। किसी को भी बख्शना नहीं चाहिए, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारा प्रयास रहता है तमाम अपडेट्स तक पहुंचाने का। जुड़े बसेस के साथ श्याम जी सा राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।